हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर के। तो आज की रेसिपी है कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जो रेस्टोरेंट में जैसी बनती है बिल्कुल ही वही एग्जैक्ट वही टेस्ट आने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिए। काफ़ी दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, तो अब कुछ लोगों का मन तो करता होगा बाहर का चटपटा खाना ट्राई करने को, तो इसलिए मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बिल्कुल ही रेस्टोरेंट वाली सब्जी स्वाद मिलेगा। तो उससे पहले, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी भी मोमेंट को स्किप ना करें, अदरवाइज़ कोई इंग्रेडिएंट मिस हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच तेल, घी, घी डाला है मैंने। आप चाहें तो तेल रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। एंड देन उसमें मैंने डाला है 1 छोटे चम्मच साबुत जीरा, 1 तेज़पत्ता, 3 लौंग और 4 काली मिर्च एंड 2 इलायची। ये गरम मसाला खड़े मसाले का मैंने तड़का डाला। और अब मैंने इसमें मोटे मोटे प्याज डाले हैं काट करके। आपको कोई भी फाइनली चॉप डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे मैं अभी ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूँगी। तो इसको मैं थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हल्के गल भी चुके हैं। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को भी आप मोटा मोटा ही काट लें, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको फ्राई करने के बाद इसको मैं प्योरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगी, और इसलिए ज़्यादा इसकी चॉपिंग में कोई मेहनत नहीं है। तो इसको मैंने बारीक नहीं काटा है और रफली चॉप करके मैंने इसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएँ। एंड अब मैं इसमें इसको मैं कवर से, लीड से कवर कर दूंगी ताकि हमारे टमाटर और प्याज जल्दी से गल जाएं और ग्रेवी के लिए तैयार हो। तो ये देखिए, हमारे प्याज और टमाटर गल कर बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। तो अब इसे मैं ठंडा करूंगी एंड ठंडा करने के बाद मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से फाइन इसका पेस्ट बना लूँगी, ताकि ग्रेवी के लिए हमें एक बेस मिल जाए। तो ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। कभी भी गर्म मसाले को ग्राइंड ना करें, अदरवाइज़ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है आपके साथ। तो अब मैं, और मिक्सर जार भी आपका, उसकी ब्लेड ख़राब हो सकती है, उसका रबड़ ख़राब हो सकता है। तो अब मैं इसे डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छे से फाइन स्मूथ पेस्ट इसका बना लूँगी, और ये हो जाएगा हमारी ग्रेवी का बेस तैयार। फिर से मैंने उसी कढ़ाई को यूज़ कर रही हूँ मैं, उसको मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि सेम रेसिपी को ही कंटिन्यू करना है। तो इसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच बटर, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। एंड अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अगर आप तीखा खाते हैं तो तीखा लाल यूज़ करें, अदरवाइज़ आप कश्मीरी लाल भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि सब्ज़ी में बस एक अच्छा सा कलर आ जाए। और ये लीजिए, मैंने ऐड कर दिया धनिया पाउडर। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एंड इसमें थोड़ा मैं पानी ऐड करूँगी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं और पक जाएँ। ये इसमें मैंने 1 चुटकी डाला है गरम मसाला। गरम मसाला मैंने पहले भी डाला था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया, बस थोड़ा सा डाला है। और अब इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी, ताकि पानी मैंने ऐड कर दिया है ऑलरेडी, सॉरी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच किचन किंग मसाला। आप चाहे तो चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इससे एक बहुत ही अच्छा स्पाइसी सा फ्लेवर आएगा, बैलेंस्ड सा। तो इसको मैं अच्छे से हाई फ्लेम पे इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। और जैसे मसाले हमारे तेल छोड़ देंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मसालों ने तेल छोड़ दिया, इसका मतलब हमारे मसाले भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे प्याज और टमाटर वाली प्योरी। ये देखिए, प्योरी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसे भी हाई फ्लेम पे मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो ये हमारी प्योरी और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैंने इसमें डाला है प्याज और शिमला मिर्च को, रफली चॉप किया था उसको भी, बट प्याज की जितनी भी परत है, जितनी लेयर्स है, उसको मैंने एक एक करके ओपन कर दिया था। एंड शिमला मिर्च तो वैसे सिंगल लेयर में आता है, तो इन सबको, प्याज और शिमला मिर्च को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए एक बॉयल आने तक पानी में बॉयल कर लिया था, ताकि जो हमारे प्याज और शिमला मिर्च वो हाफ़ कुक हो जाए। कढ़ाई पनीर में कभी भी जो सब्जियां होती है वो प्रॉपर पूरी कुक नहीं होती, वो हाफ़ कुक होती है, ताकि आपको एक क्रंची सा फ्लेवर आए उसमें, उसका स्वाद वैसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और कश्मीरी मिर्च का कलर भी ना बदले। तो ये देखिए, मैंने इसमें ऐसी तरीके से यूज़ किया है। और अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है पनीर,
और पनीर को भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करने के बाद मैंने इसमें एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाला है, जिसको मैंने हथेली पर रब करके डाला है। हथेली पर रब करके अगर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू उसमें से आती है। तो ये देखिए हमारी कढ़ाई पनीर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये रियली बहुत ही यम्मी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे। तो हमारी आज की रेसिपी हो गई है रेडी कढ़ाई पनीर की। इसे रोटी पराठों के साथ इन्जॉय करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।